हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आज की सबसे बड़ी खबर पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जिन पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है, पिछले 5.5 घंटे से रिया से पूछताछ जारी है। एनसीबी की टीम रिया से पूछताछ कर रही है और पिछले 5.5 घंटों से उनसे कई सवालात पूछे गए हैं। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल यही कि क्या रिया की गिरफ्तारी हो सकती है। दोपहर 12 बजे से यह पूछताछ जारी है और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ मनोज वर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अजय भी हमारे साथ हैं, रणवीर भी हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन मनोज, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा और बताइए अब तक जो पूछताछ हुई है कुछ बड़ी जानकारी निकल रही है क्या? जी, पूछताछ देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अखिलेश की पूछताछ अभी भी लगातार जारी है, लेकिन एक माहौल यहां पर बना हुआ है। आपको दिखाना चाहेंगे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो या पुरुष पुलिसकर्मी हो, वो यहां पर अब एकदम तैयार हो गए हैं। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कि आज रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया जाएगा, उसको भेज दिया जाएगा, क्योंकि पूछताछ अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई है। सिर्फ रिया चक्रवर्ती से ही पूछताछ हुई है। अभी आमने सामने बैठाकर जितने भी आरोपी ऊपर मौजूद हैं उनसे पूछताछ नहीं हुई है। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि आज सूर्यास्त होने से पहले, क्योंकि वो महिला हैं, रिया चक्रवर्ती को छोड़ दिया जाएगा और कल फिर सम्मन देकर एनसीबी की टीम रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए एक बार फिर से दोबारा बुला सकती है। तो अभी तक की जो अपडेट है वो यही है कि पूछताछ अभी चल रही है, क्योंकि अरेस्टिंग अभी तक नहीं दिखाई गई है, गिरफ्तार अभी तक रिया चक्रवर्ती को नहीं किया गया है। तो जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को आज की पूछताछ, क्योंकि अंधेरा होने से पहले उनको भेजना होगा, तो आज की पूछताछ खत्म होने के बाद रिया चक्रवर्ती को यहां से भेज दिया जाएगा और कल फिर सम्मन देकर पूछताछ के लिए अंकित बुलाया जा सकता है। यहीं पर मौजूद है। मनोज, मैं आपके पास आऊं उससे पहले जरा अंकित का भी एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। और अंकित, ये बताइए, जिस तरह की हलचल हम आपके पीछे देख पा रहे हैं, क्या ये लग रहा है कि आज अब रिया की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, शायद अब उन्हें वहां से भेजा जाएगा, उसकी तैयारी है ये? अखिलेश, अगर मनोज सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि हो सकता है कि एनसीबी के दिमाग में यह चल रहा हो। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इससे पहले रिया चक्रवर्ती जब सीबीआई के पास गई थी डीआरडीओ ऑफिस में, तो वहां पर उनसे 8:15 बजे तक पूछताछ हुई थी। उसके बाद में उन्होंने पुलिस का इंतजार किया तो 9 बजे वहां से निकली थी। तो ऐसे में ये सूर्यास्त की वजह से उनको जल्दी छोड़ा जा सकता है, ये एनसीबी को तय करना है। लेकिन क्योंकि अगर महिला अधिकारी वहां पर बैठी है, उनके सामने पूछताछ चल रही है, तो एनसीबी के सामने भी ये विकल्प है कि उनको जो है, अगर वो उनको लगता है कि रोकना है, सवाल पूछने हैं, तो रोक भी सकती है, लेकिन बशर्ते महिला अधिकारी की उपस्थिति जरूरी है। दूसरी चीज, अगर जो है ये एनसीबी तय करती है कि उनको गिरफ्तार करना है, अगर आज जो दोपहर में 12:30 बजे से जो पूछताछ शुरू हुई है, उसके बाद में अगर एनसीबी को ये लगता है कि नहीं, इनका जो इन्होंने कॉपरेट नहीं किया है, गिरफ्तार करना है, तो अगर थोड़ा सा देर तक रोकती है तो वहां पर जो है गिरफ्तारी भी संभव है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मनोज ने अभी जो सूत्रों से बात की है, एनसीबी के सूत्रों से बात की है, और उन्होंने इशारा इस बात का किया है कि आज जो है संभव है कि उनको भेजा जा सकता है, कल फिर से बुलाया जा सकता है, तो फिलहाल कुछ देर में स्थिति और तस्वीर साफ होगी। लेकिन अंकित, जिस तरीके की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है उनके खिलाफ, क्या लगता है आपको कि गिरफ्तारी की कितनी संभावना है? हो सकता है आज गिरफ्तारी टल जाए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि वो गिरफ्तार होंगी। निश्चित तौर पर अखिलेश, और अखिलेश इसके लिए जो है हम आप तो चर्चा कर ही रहे हैं, खुद उनके वकील ने सुबह जब जैसे रिया घर से निकली है, उन्होंने जो है बाकायदा एक स्टेटमेंट रिलीज करके ये कहा है कि रिया जो भी गिरफ्तारी के लिए तैयार है। लेकिन वहां पर उन्होंने एक और लाइन, अगली लाइन क्या है कि अगर प्यार करना गुनाह है तो फिर रिया उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। तो इस तरीके के शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो पहली लाइन है उसमें वो काफी महत्वपूर्ण है कि रिया भी गिरफ्तारी के लिए तैयार है, और इससे ये दिखाता है कि उनके वकील को भी इस बात का अंदेशा है और खुद रिया चक्रवर्ती को भी इस बात का अंदेशा है कि आज या आज अगर नहीं भी होता है तो कल उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो अगर हम बात करते हैं इस केस की, इस केस में उनका सबसे करीबी, उनका भाई शौविक चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है, और हमारे सहयोगियों ने जो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है उससे साफ है कि शौविक ने एनसीबी को भी यह बताया है कि रिया चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स मंगाया जाता था। पैसे कौन देता था? पैसे रिया चक्रवर्ती देती थी। कहां से देती थी? सुशांत सिंह के खाते से देती थी। अगर इतना लिंक एस्टैब्लिश हो गया है तो आज नहीं तो कल रिया की गिरफ्तारी लगभग मुमकिन दिख रही है।
और अजय भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वहीं से एनसीबी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अजय दुबे, अजय कुछ अपडेट आपके पास है क्या? आज जो पूछताछ हुई है, किन सवालों के इर्द गिर्द पूछताछ हुई? देखिए, सवालों की जो सूची है उसका जिक्र एबीपी न्यूज सुबह से कह रहा है। तकरीबन वो 20 सवाल हैं जिनकी तैयारी नारकोटिक्स की तरफ से थी पूछने की। मैं जरा अभी का अपडेट आपको बताता चलूं कि बज रहे हैं 5:30 और जो मुख्य सबसे अधिकारी हैं इस शाखा के नारकोटिक्स के, जो मुंबई में है सबसे प्रमुख अधिकारी मुथा अशोक जैन, 1 घंटे पहले पहुंचे हैं यहाँ पर शाखा पे, जो ऊपर 3रे माले पर एक्सचेंज बिल्डिंग में ऑफिस है नारकोटिक्स का। जैसा कि सूचना दी गई है अधिकारियों के, दूसरे अधिकारियों की तरफ से, वो ये है कि हर दिन शाम को 5 से 5:30 बजे इस मामले के बारे में ब्रीफिंग होती है। जो प्रमुख अधिकारी इस मामले के हैं, जो 3 अधिकारी इस मामले के जांच में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो केपीएस मल्होत्रा जो दिल्ली से आए हो, चाहे वो समीर वानखेड़े जो मुंबई के हो, तीसरे जो अमित बेंगलुरु के जोनल ऑफिसर भी आए हुए हैं, तो इन तीनों के अधिकारियों की मौजूदगी में दूसरे जो अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व है उनकी भी एक बैठक होती है, जो आपस में चर्चा करते हैं आज क्या कुछ निकल के आया, उसके अलावा कल को लेकर क्या तैयारी रहने वाली है। तो ये अब समय उसी चीज का है, इस विषय में चर्चा लगातार संभावित है कि जो 3रा माला एक बार हम आपको दिखाते हैं एक्सचेंज बिल्डिंग, उसके 3रे माले पर इस समय ये जो मीटिंग है उसकी संभावना है। इसके साथ ही, क्योंकि देखिए पूरा लगभग अब यह तय हो गया, जिस तरीके के पुलिस का बंदोबस्त है कि गिरफ्तारी आज तो संभव नहीं है, आज तो रिया निकलेंगे और उसी लिहाज से गाड़ियां भी लगा दी गई हैं, गाड़ियों के निकलने की भी संभावना है, तो निकलने का समय जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है। पर हाँ, तैयारियां उनको यहां से निकालने की ही है, आज गिरफ्तारी नहीं होगी तो इसके लिहाज से समन देकर कल फिर बुलाया जाएगा, इन सब चीजों की संभावना है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अधिकारी है, सबसे प्रमुख अधिकारी 1 घंटे पहले वो यहां पर पहुंचे हैं, उनके बीच बैठक भी जारी है और यह भी संभावना जताई गई है नारकोटिक्स की तरफ से कि जब रिया निकल जाएंगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इस मामले में अब तक अपडेट है वो देने के लिए सीनियर अधिकारी बाहर आएंगे। और आज क्या पूछताछ हुई है ये भी दर्शकों को जरा बताते हैं। मनोज वर्मा का रुख कर लेते हैं, हमारे एक और सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। मनोज, आज की पूछताछ में क्या खास रहा? देखिए अखिलेश, आज की अगर पूछताछ की बात की जाए तो सबसे पहले एक शुरुआती सवाल तो नॉर्मल सवाल किए गए थे, लेकिन जब जो अधिकारी यहां पर पहुंचे, केपीएस मल्होत्रा पहुंचे, समीर वानखेड़े जब यहां पर पहुंचे तो सवालों की एक लंबी फहरिस्त थी उनके पास और रिया से ड्रग्स को लेकर ही वो तमाम सवाल किए गए। जिस तरीके से रिया की चैट सामने आई है जिसमें वो बता रही है कि हाँ वो जो है ड्रग्स लेती थी, इसके अलावा शोविक की जो चैट सामने आई थी उसमें भी क्लियर हुआ था और शोविक के बयानों से भी क्लियर हुआ था। तो अभी जो पूछताछ की गई है बयानों के आधार पर ही पूछताछ की गई है कि शोविक का ऐसा कहना है कि आप जो है ड्रग्स मंगवाती थी, और अखिलेश ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि आज रिया को गिरफ्तार नहीं करेगी एनसीबी, बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। कल फिर से सम्मन देकर रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, बिल्कुल अब ये बात साफ हो चुकी है। हमारे सूत्रों ने कन्फर्म किया है कि अभी से थोड़ी देर बाद रिया यहां से निकल जाएगी और कल फिर सम्मन देकर पूछताछ के लिए रिया को बुलाया जाएगा। जी, ये बड़ी जानकारी आप मनोज दे रहे हैं। मनोज का ये कहना है कि आज रिया की गिरफ्तारी मुमकिन नहीं है, कल फिर से समन देकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। अब जरा अंकित गुप्ता का रुख कर लेते हैं। अंकित, कानूनी पेचीदगियों को बहुत बेहतर तरीके से आप समझते हैं, जरा ये बताइए जिन जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है रिया के खिलाफ, कौन सी धाराएं हैं, किस तरीके की सजा का वहां प्रावधान है? अखिलेश, अगर हम बात करते हैं एनडीपीएस के जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, पहले तो हमको यह समझना होगा कि इस मामले में 2 FIR रजिस्टर्ड है, 15/20 और 16/20। अभी ये कार्रवाई किसमें चल रही है, जैसी जानकारी निकल के आई 16/20 में, यानी कि अभी एक मुख्य मुकदमा है जो रिया के खिलाफ दर्ज था, उसमें तो अभी कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, ये तो दूसरे मामले में कार्रवाई चल रही है जैसी कि शुरुआती जानकारी निकल के सामने आई थी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अभी तो 16/20 में ये कार्रवाई चल रही है और कौन कौन सी धाराएं, एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 है, उसके 22 है, 27 है, 29 है, ये वो धाराएं हैं। इसमें कौन सी 2 धाराएं जो है गंभीर है? पहली आईपीसी की जो वो एनडीपीएस एक्ट की जो धारा है वो 20 बी जिसके तहत जो है अधिकतम सजा 10 साल की सजा का प्रावधान है और इस वजह से ये गैर जमानती धारा हो जाती है, यानी कि जमानत मिलना आसान नहीं होता है। हालांकि अगर यही 20A में गिरफ्तारी होती जो ये कहता है कि किसी ने ड्रग कंज्यूम किया है और स्मॉल क्वांटिटी में किया है तो उसको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन उसको अदालत से तुरंत जमानत भी मिल सकती है क्योंकि उसमें 6 महीने की सजा का प्रावधान है। लेकिन इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है, रिया के भाई शौविक और उसके अलावा लोगों को, और जिस मामले में रिया से भी पूछताछ चल रही है, वो एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B वाले मुकदमे में चल रही है और इस वजह से 20B में अधिकतम 10 साल तक की सजा का प्रावधान है और इस वजह से जमानत मिलना इतना आसान नहीं होता है। वहीं एनडीपीएस एक्ट की धारा 29 वो एक इसमें जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है, उस मामलों में लगाई जाती है। तो यानी कि एक तरह से अगर मुख्य आरोपी इस मामले में, मान लीजिए अगर रिया नहीं भी आती है, कोई और ड्रग पेडलर भी आता है, और क्योंकि धारा 29 लगी है तो रिया की मुश्किलें भी उतनी ही बढ़
बढ़ जाएंगी। तो इस वजह से ये जो 16/20 का जो मामला चल रहा है, यहाँ पर जो धाराएं लगी हैं वो काफी गंभीर है और मतलब ऐसी धाराएं लगी हैं जहां पर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि नॉन अवेलेबल हैं ये सारे ऑफेंस, अगर गिरफ्तारी हो जाती है रिया की तो उनके लिए जमानत ले पाना बड़ा आसान नहीं होगा। निश्चित तौर पर अगर जो है गिरफ्तारी होती है उसके बाद में, जैसे हम शौविक का ही केस देख सकते हैं, शौविक के मामले में भी जो है ये कहा गया ये तो कॉपरेट कर रहे थे, जब जरूरत हुई है आ गए, लेकिन फिर भी एनडीपीएस एक्ट के तहत जो गिरफ्तार किया गया था कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, कोर्ट ने 9 सितंबर तक उनको एनसीबी की हिरासत में भेजा है, यानी कि पुलिस कस्टडी में भेजा है। तो इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि अगर रिया को गिरफ्तार करती है एनसीबी सबूतों के आधार पर जो तथ्यों की बात कर रही है वो और कोर्ट में पेश करती है, तो पहले तो उनके जो है रिमांड लगभग मैं मान के चल रहा हूं जिस तरीके से अब तक केस को देख रहा हूं कि रिया को एनसीबी की हिरासत में भेजा जाएगा, उसके बाद में उनको वक्त दिया जाएगा एनसीबी को पूछताछ कर नए तथ्य सामने लाने का। अगर एनसीबी जो अगले दिनों की पूछताछ होती है उसमें नए तथ्य सामने लेकर के आती है तो उनको एक बार फिर से पुलिस हिरासत में यानी कि एनसीबी की हिरासत में भेजा जा सकता है, अगर नए तथ्य सामने नहीं आते हैं तो फिर उनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। और किसी भी आरोपी को जमानत कब मिलती है, जमानत कब तब मिल सकती है जब आरोपी न्यायिक हिरासत में हो। अखिलेश एक चीज और बस जोड़ना चाहूंगा, और अभी मैं ये बता रहा था ये जो FIR है जिसके तहत कार्रवाई चल रही है 16/20 है, अगर एनसीबी को लगता है कि 15/20 में भी फिर से मामला बनता है तो एक बार उस FIR के तहत फिर से हिरासत मांगी जा सकती है। जी मतलब ये पूरी कार्रवाई अभी लंबी चलेगी। जरा हम देखते हैं एनसीबी दफ्तर में इस वक्त क्या हलचल है, अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय दिखाइए जरा आसपास के दृश्य तस्वीरें, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है बताएं। तो अजय से हमारा संपर्क शायद टूट गया है। मनोज अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है एनसीबी दफ्तर। माहौल पर आपने सवाल किया, मैं एक दफा बोलिए दिखाता चलूं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर हमने पुलिस की सरगर्मियों के ऊपर बात की थी कि किस तरीके से दरवाजा और उसके आसपास का जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से बैरिकेडिंग की गई है। ये आम दिनों में खुला हुआ रास्ता है, ईडी और तमाम जो कोलाबा इलाके महत्वपूर्ण ऑफिस है उनसे जुड़ा हुआ रास्ता है, पर आज छुट्टी का भी दिन है, इसके अलावा पूरे इलाके के रास्ते को सीज कर दिया गया है। एक दफा जरा हर तरफ से आपको दिखाते हैं, देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग, रस्सियां, गाड़ियां, इस तरीके से कोशिश की गई है कि चारों तरफ से रास्ते को रोक कर जो मीडिया के लोग हैं उनको दूर रखा जा सके ताकि जो गाड़ी लगे उसमें असहूलियत से बैठ सके। सुबह भी हमने देखा था कि जब गाड़ी आई थी तो आसपास सब लोग इकट्ठे हो गए थे, तो ये पूरे वो इंतजाम है पुलिसकर्मी कर रहे हैं। नार्कोटिक्स की टीम भी नीचे है जो संवाद में लगातार बनी हुई है, क्योंकि अभी लगभग स्पष्ट हो गया है कि आज तो गिरफ्तारी होगी नहीं, आज उन्हें जाने दिया जाएगा और उसके बाद कल फिर समन देके बुलाया जाएगा। तो तैयारी यहां पर मुंबई पुलिस की यह है कि ऐसे बैरिकेडिंग कर दी जाए, सुरक्षा का ऐसा इंतजाम कर दिया जाए, लगभग किलाबंदी के तौर पर व्यवस्था बना के रिया की गाड़ी को इसके अंदर ले जाके उन्हें बैठाल को सुरक्षित यहां से निकाला ले जा सके, ये सारी कोशिश है। और इस तरीके से सरगर्मियां जो इस इलाके में मुंबई पुलिस की बहुत बड़ी हुई है, देखिए एक ये गाड़ी आप हमारे बगल में देख रहे हैं, ऐसी 2 से 3 गाड़ियां हैं जो इस पूरे इलाके में लगी है। एक गाड़ी को यहां पर लगाया गया, पूरे रास्ते को सीज कर दिया गया, इसके अलावा दूसरे छोर पर आप देखेंगे तो मुंबई पुलिस की और भी गाड़ियां गड़ी दिखाई देंगी। तो आसपास की जो रेड लाइट्स हैं, आसपास के जो दूसरे चौराहे प्रमुख हैं वहां पर भी सरगर्मियां हैं, आसपास के तमाम जो थाने से जुड़े हुए पुलिसकर्मी हैं, थानों के जो स्टाफ है पुलिस की यहां पहुंची हुई है, सुबह से यहां पर सरगर्मियां बनी हुई है। दिन में दीपेश को भी जब लेके गए थे तो हम देख रहे हैं कि इस मामले में इससे पहले भी जिन जिन को लेकर मेडिकल के लिए या कोर्ट के लिए निकले हैं तो जोरदार पुलिस सुरक्षा दी गई, पर आज जो इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण नाम जिसकी चर्चा है, जिसके बारे में सवाल है कि कब रिया आएंगी, तो रिया आज आ गई है, इसके बारे में सवाल है कि गिरफ्तारी कब होगी, तो गिरफ्तारी आज तो नहीं हो रही है, आज छोड़ा जाएगा, समन देकर कल फिर बुलाया गया है, तो उनकी सुरक्षा के लिए इस तरीके का इंतजाम है। जोरदार पुलिसकर्मियों की भीड़ है जो आपके पीछे चाक चौबंद इंतजाम हैं और खबर यही आ रही है कि रिया को किसी भी वक्त वहां से जाने दिया जा सकता है, यानी आज गिरफ्तारी की संभावना बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। मनोज वर्मा का एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे, मनोज भी वहीं पर मौजूद है। मनोज जैसे ही रिया बाहर आती है वो तस्वीरें दर्शकों को आप दिखाइएगा, लेकिन चूंकि इस पूरे मामले को बहुत शुरू से आप कवर कर रहे हैं, जरा ये बताइए ये भाई बहन की जो जोड़ी है किस तरीके की इनकी भूमिका पाई गई है इस ड्रग्स के पहलू से जो पूरी जांच हो रही है उसमें। देखिए इस भाई बहन की जोड़ी में ड्रग्स की जो भूमिका पाई गई है, एनसीबी को जो सबूत मिले हैं वो ये सबूत मिले हैं कि दोनों भाई बहन मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रहे थे और वो ड्रग्स रिया मंगा रही थी। और आपको तस्वीरों के जरिए आदर्श नायर दिखाएंगे, देखिए कुछ हलचल वहां पर जो है एनसीबी के ऑफिस में होने लगी है, हलचल होने लगी है यहाँ पर, और कुछ ऑफिसर्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो नीचे आ रहे हैं। तो अखिलेश मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ कि जो
ये भाई बहन थे, ये दोनों मिलकर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे रहे थे। जो रिया है वो शोविक से ड्रग्स मंगवा रही थी, इस बात के सबूत भी जो है एनसीबी को मिल चुके हैं। आज एक लंबी पूछताछ रिया से हुई है और वो पूछताछ लगभग अब खत्म हो चुकी है। किसी भी वक्त अब रिया यहां से निकलेंगी और कल सम्मन देकर फिर से एक बार रिया को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। और वो पूछताछ, अब जो कल पूछताछ होने वाली है वो आमने सामने बैठाकर पूछताछ होने वाली है। शोविक के सामने बैठाकर पूछताछ होगी, सैमुअल मिरांडा के सामने बैठाकर पूछताछ होगी और दीपेश सावंत के सामने बैठाकर पूछताछ होगी। और उस पूछताछ में मुश्किलें ज्यादा बढ़ने वाली है रिया की, क्योंकि दोनों तीनों अपने बयान दे चुके हैं जिसमें ये कहा गया है तीनों की तरफ से कि रिया ही ड्रग्स मंगवाती थी और पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकाले जाते थे। तो कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जरूर लटक रही है। आज भले ही एनसीबी छोड़ दे, लेकिन कल हो सकता है कि गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटके और जो कल सवाल किए जाएंगे वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, जिनके जवाब देना रिया के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। जी अखिलेश, बिल्कुल। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है रिया चक्रवर्ती जैसे ही एनसीबी दफ्तर से बाहर आती है।